नमस्कार, दी एसजी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। सुशांत सिंह मामले को लेकर रोज और नए नए खुलासे हो रहे हैं। हालांकि ईडी ने लगातार दो दिनों तक रिया और उसके भाई शोभित से पूछताछ की, उसके परिवार वालों से पूछताछ की, सभी बिंदुओं की इस वक्त जांच कर रही है। बिहार की पुलिस भी मुंबई पहुंची थी, उन्होंने भी कई अहम सबूत जो है वो अपने हाथ लगाए हैं। हालांकि ये अभी जांच का विषय है कि सुशांत सिंह की आत्महत्या हुई थी या फिर हत्या हुई थी, इस पर जांच अभी चल रही है। लेकिन इस वक्त जिस खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे अभिनेता थे जो भविष्य का सोचते थे, जिन्होंने अपने जीते जी बहुत सारी ऐसी योजनाएं बनाई थी जो वो भविष्य में करना चाहते थे। और क्या आपको पता है, उन तमाम योजनाओं को वो नोट डाउन करते थे। जी हां, वो डायरी में लिखते थे। क्या है पूरी खबर, चलिए विस्तार से आपके पास पहुंचा दें। तो सुशांत सिंह राजपूत की एक डायरी सामने आई है। इनमें लिखे हर शब्द इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं थे, बल्कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपने नाम का डंगा बजता देखना चाहते थे। जी हां, उन्होंने बकायदा इसके लिए तैयारियां भी करनी शुरू कर दी थी, एक प्रोजेक्ट तैयार कर लिया था। सुशांत ने प्रोजेक्ट भी बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में बनाया, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। बहरहाल इस डायरी के सामने आने के बाद यह बात भी स्पष्ट हो गई कि वो अब अपनी बहनों के बेहद करीब थे। प्रोडक्शन हाउस बनाने के इस प्रोजेक्ट में वो अपनी बहन को भी शामिल करना चाहते थे। ऐसे में उन लोगों पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं जो अब तक सुशांत को उनके परिवार से दूर होने की बात करते थे। सुशांत कभी अपनों को खोना नहीं चाहते थे। उनकी डायरी पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि वो सकारात्मक और ऊर्जावान युवक थे जिनमें रोज आगे बढ़ते रहने की चाहत थी। सुशांत की डायरी में लिखी बातों के कुछ अंश मैं सोचना चाहता हूं, स्वयं के बारे में, अपने परिवार के बारे में, किसी को खोना नहीं चाहता हूं, मैं सुरक्षित महसूस करना चाहता हूं, स्नेह चाहता हूं, लोग मुझे समझे, मैं ये चाहता हूं, मुक्की मेरी जरूरतें पूरी करता है, सामाजिक व्यक्तिगत के रूप में मैं बिना लालच वाला व्यक्ति बनना चाहता हूं, स्नेही बनना चाहता हूं, लोग मुझे बलिदानी की तरह जाने, ऐसा चाहता हूं, बिंदा को मुझे यह एहसास दिलाना चाहिए कि मुक्कू से मेरे संबंध स्वार्थ से छिपा है जो परेशानी उत्पन्न करेगा, इसलिए मुझे उनको दरकिनार करना चाहिए, मैं हार मानता हूं, मुक्कू को ऐसे परेशान होते नहीं देख सकता हूं, मुझे अभिनय में उत्कृष्ट करना है, भाषा संस्कृति पर पकड़ बनानी चाहिए, हॉलीवुड की एजेंसी के साथ संपर्क बनाना चाहिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के साथ संपर्क बनाने चाहिए, खुद को सिनेमा, शिक्षा और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट करना चाहिए। ये बातें सुशांत सिंह ने अपने डायरी में लिखी थी। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सुशांत सिंह राजपूत बहुत कुछ करना चाहते थे, वो एक ऊर्जावान युवा थे, उन्होंने भविष्य की जो योजना बनाई थी वो उनको रोज लिखते थे, उनको पढ़ते थे, उनको समझते थे और भविष्य में वो कुछ करना चाहते थे। सोर्सों के हिसाब से यह भी पता चला है कि सुशांत सिंह राजपूत अपने गांव के बच्चों को नासा में भेजना चाहते थे, उनको बहुत ही इस चीज की दिली ख्वाहिश थी। तो ये कुछ अंश थे जो सुशांत सिंह की डायरी से हमें पता चला है। तो हमने सोचा कि राजनीतिक खबरों के अलावा ये खबर भी आपके पास पहुंचनी बहुत ज्यादा जरूरी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है आपके पास, और अगर हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। नमस्कार। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लेंथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।